जय हिंद। आप अपने इस YouTube चैनल बायोलॉजीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ध्यान दीजिए, आज की हमारी नई टॉपिक रहेगी, बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप देख रहे हैं कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण, ये लेक्चर नंबर 4 है आपका, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका 4 तारीख का क्या एग्ज़ाम है। हाई स्कूल वाले ध्यान दीजिएगा, आपका 4 तारीख का बोर्ड का एग्ज़ाम है साइंस का। तो आप फटाफट अपने तैयारी को बनाए रखें, मेंटेन करके रखें। मैं तो हमेशा आपको बताता चला आ रहा हूँ कि वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तो ध्यान देना, ये कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है आज मैं इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ध्यान देना, कोयला और पेट्रोलियम ये क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। ध्यान देना, आप जानते हैं कोयला, जब आप कोयले को अपने हाथ में लेते हो तो आप महसूस करते हो कि कोयला लगता है कि अब किसी पत्थर या किसी क्या होते पेड़ के लकड़ियों से बनाया गया है। अरे दोस्तों, आप समझते हैं कि लकड़ी कैसे बनाया जाएगा, क्या कभी लकड़ी से, ऐसे कोई मशीन तो है नहीं कि इधर से लकड़ी डालो उधर से कोयला निकलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और पेट्रोलियम निर्माण कैसे होता है, बहुत सारे बचपन में सुना होगा, अरे भाई कुआं खोद कर उसके अंदर से तेल को निकालते हैं। जी हाँ, निकालते हैं। तो आज मैं आपको बात क्लियर कर दूंगा, ध्यान देना। पहले तो मैं बात करूंगा कोयला का निर्माण कैसे होता है। पहले तो मैं बात कर रहा हूं कि कोयला का निर्माण कैसे होता है, कोयला, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं, कोल माने कोयला, या हम कोक भी कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, कार्बन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कोयला होता है, कोयला होता है, आप जानते हैं वन्य पेड़ पौधे, जो वन्य जीव होते हैं, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, जो कोयला होता है ये स्पेशली किससे बनता है, ये पेड़ और पौधों से बनता है, पेड़ पौधों से बनता है। इतनी बात आप समझे, आप ध्यान दीजिए, जो कोयला बनता है पेड़ पौधों से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है आप ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा ज्वालामुखी, क्या सुना होगा हमने, ज्वालामुखी। अब ये क्या चीज है, जब धरती फटती है ना तो गर्म गर्म भाप निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। ये पहाड़ी इलाकों पे आते हैं, मेरी बात ध्यान देना कि भैया ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोयले का निर्माण कैसे होता है। तो पहाड़ी इलाकों में होता क्या है, जब बहुत अधिक मात्रा में जब सुनामी आती है या उसके साथ ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मतलब क्या होता है, जब ज़मीन फटता है तो काफ़ी दूर तक फट जाता है और सभी जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जाके दब जाते हैं, उस अंदर दब जाते हैं, तो वही आगे चलकर डिकम्पोज होकर सड़कर गलकर लगभग लाखों करोड़ों वर्ष बाद तब जाके कोयला बनाते हैं वो। तो ध्यान देना मेरी बात, तो जब क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटती, धरती फटती है ना, तो अगर मान लीजिए वहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो दब जाएंगे, अगर नहीं है तो दब जाएंगे, सॉरी अगर नहीं है तो फिर नहीं दबेंगे, तो हम कोयला निर्माण नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या होता है भाई, पहाड़ी इलाकों में क्या होता है भाई, वो पेड़ पौधे की मात्रा अधिक अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होता है, गांव से भी ज़्यादा होता है, सिटी से भी ज़्यादा होता है। तो पहाड़ी इलाकों में क्या होते हैं, पेड़ पौधों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो होता क्या है, जब ज्वालामुखी फटती है तो सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, जब ज्वालामुखी फटती है तो वो छोटा मोटा नहीं फटता है, हल्का सा दरार रहे, नहीं, जब फटता है तो काफ़ी बहुत बड़ा दरार बन जाती है। तो जब दरार बन जाती है तो होता क्या है, उस दरार में सभी जो पेड़ पौधे होते हैं, बड़े छोटे नन्हे, सब जाके दब जाते हैं। जब दब जाएंगे तो धीरे 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 उस जो ज्वालामुखी फटी थी उसके ऊपर धीरे 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 क्या होगा, मिट्टी का जमाव हो जाएगा, पहाड़ का जमाव हो जाएगा, चट्टान बन जाएगी। तब क्या होता है, वही चट्टान लगभग लाखों करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है, अगर खोदा जाता है तो जो डिकम्पो जो लकड़ियाँ होती हैं वो सड़कर गलकर जो कास्ट होता है वही बचता है, चमड़ी तो सड़ उसकी जो चमड़ी होती है ऊपर की वो तो सड़ गल जाती है, लेकिन जो अंदर का जो कास्ट होता है वो मजबूत रहता है, तो वही पड़ा रहता है, तो वही डिकम्पोज होकर
कार्बन अभिक्रिया करके काला काला एकदम कोयला बना लेता है, तो वही क्या होते हैं, कोयला। तो उसे कोयले को फिर खोद कर निकाल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। पेट्रोलियम का निर्माण, तो पेट्रोलियम निर्माण कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, जिसे आप कहते हो पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल। अब पेट्रोल अलग है और जो पेट्रोलियम में है, पेट्रोलियम में जितने भी ऑयल्स आ गए प्लांट, छोटे जो प्लांट से ऑयल निकलता है उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। ये पेट्रोलियम यानी डीजल, क्या होता है केरोसिन, और जो मिट्टी का तेल होता है, और क्या होता है भैया जो पेट्रोल होता है, ये सब क्या आ गए, ये पेट्रोलियम में आ गए। तो ये कैसे बनता है ध्यान देना। आज से जो अभी बहुत समय में भी अभी इस समय हमारे धरती के अंदर से जो नेचुरल पेट्रोल है वो कमी होती जा रही है। इसलिए होती जा रही है क्योंकि इतना वाहन हो गया है, दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन इतनी ज़्यादा मात्रा में हो गई है कि उसका जो है रिसोर्स नहीं हो पा रहा है, उसको पूरा भरपाई नहीं कर पा रहा है। इतनी आवश्यकताएँ हैं मनुष्य को पेट्रोल डीजल की। तो ध्यान देना, अब इस समय तो मान लीजिए मिल्स फैक्ट्रिया एथेनॉल का फैक्ट्री डालकर, क्या प्लांट डालकर उससे हम पेट्रोल बना लेते हैं। तो ध्यान देना, अब इसमें क्या होता है कि पेट्रोलियम में आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब हमारी पृथ्वी उथल पुथल हुई थी, मेरी बात को लेक्चर को ध्यान देना, लिखना जरूरी नहीं है, सुनना जरूरी है आपको। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब पूरी पृथ्वी का उथल पुथल यानी भूपरपटी का यानी ऊपर का नीचे दब गया, यानी जो इंसान थे, जो जानवर थे, जो मछलियां थी, जितने भी जीव थे, जीव में चाहे इंसान है, चाहे हम आप हो, चाहे कोई बकरी हो, चाहे कोई भैंस हो, कोई भी जीव, चाहे मछली हो, चाहे कोई भी जीव हो, वो सब जमीन के अंदर दब जाएंगे। जब भूकंप आएगा, जब सुनामी आएगी, तो पूरा जो धरती के पास जो मतलब जुधारी हैं वो एकदम क्या दब जाएंगे। और दब सुनामी में क्या होता है, वो पानी भी आता है, पानी के साथ हवा भी होता है, उसे हम सुनामी कहते हैं। ध्यान देना, पानी के साथ हवा होता है, बहुत तेज़ी के साथ पानी बारिश होती है तो बाढ़ हो जाता है, उसे हम सुनामी कहते हैं, और आके बहा के लेके चली जाती है। तो ध्यान देना, तो अब उसमें क्या होता है कि जब पृथ्वी पूरा भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, तो सभी जीव जहाँ जहाँ इकट्ठा होते हैं, सभी जीव पानी के साथ बह बह कर समुद्रों की गहराई में चले जाते हैं। जब समुद्रों की गहराई में चले जाएंगे तो वहाँ पे गाद होता है। क्या होता है भैया, गाद। क्या नाम इसका, गाद। गाद को हम क्या बोलते हैं, कीचड़ बोलते हैं, कीचड़, ठीक है, कीचड़ बोलते हैं। तब जो इंसान की जो शरीर होती है, जानवरों की शरीर होती है, समुद्रों के बीच में गाद में कीचड़ में जाके धंस जाती है। जब धंस जाता है तो क्या होता है, धीरे 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 काफ़ी वर्ष बाद, लाखों करोड़ों वर्ष बाद, धीरे धीरे क्या होता है, इस पर क्या होता है, इस मनुष्य के बॉडी के ऊपर, जानवरों के बॉडी के ऊपर धीरे धीरे चट्टान बनने लगती है। मतलब कि जो रेत वगैरह होता है सब यहाँ पे आ जाएगा और चट्टान बनना स्टार्ट हो जाएगा, और चट्टान बनते 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 एक बहुत विशाल मोटा सा परत बना लेगा। फिर क्या होगा, फिर वही परत धीरे धीरे जब बीत जाएगा, लाखों करोड़ों वर्षे बीत जाते हैं, जब नए जीवन का उत्पत्ति होता है, तो भाई अब क्या होता है, उसके पास वैज्ञानिक खोज करने के लिए मान लीजिए जा रहे हैं, वहाँ से कोई फट वो जो दरारें हैं ना वो क्रेक हो गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं जो जहाँ पे समुद्र था, समुद्र वहाँ पे ऊंच खाल तो हो भी करता है, बीच बीच में पहाड़ी इलाके होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अगर मान लीजिए अब वहाँ पे दरार क्रेक हो जाएगा तो उसमें से क्या होता है, पसीज पसीज कर ऑयल निकलने लगता है। तो क्या होता है, वैज्ञानिक जब रिसर्च करते हैं तो उस ऑयल के मतलब कि उस गाद को, उस चट्टान को छिद्र करके उसमें पाइप डाल देते हैं, तो उसी से निकाल लेते हैं सारा जो ऑयल होता है, वो नेचुरल निकलने लगता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, आपका पेट्रोलियम और डीजल का निर्माण होता है, पेट्रोलियम और कोयले का निर्माण होता है, ये बिल्कुल क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। जो कोयला होता है वो लकड़ियों से बनता है, और जो पेट्रोलियम होता है जीवों के सड़ने गलने से मरने से बनता है। ये दोनों क्या हो, इसलिए इनको बोलते हैं नेचुरल। क्या बोलते हैं, नेचुरल। और इन्हें क्या बोलते हैं, जैव मात्रा से हुआ है। अगर किसी ने पूछ लिया कि पेट्रोलियम डीजल का विकास किससे हुआ, तो बोलेंगे जैव मात्रा से हुआ है। जैव मात्रा का मतलब क्या, तो बायो
वहाँ जो जीवों के द्वारा बिन, भाई प्लांट भी जीव है एनिमल भी जीव है, तो दोनों से मिलकर बना हुआ है, उन्हें को हम क्या बोलते हैं जीव, क्या बोलते हैं उसे, हम जैव मात्रा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आज के लिए इतना ही आपकी वीडियो है, और ध्यान दीजिएगा, और इसी के साथ जितने भी लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तुरंत करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले पहले जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं पढ़ लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी चल रही है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँगा। और शायद और जिस दिन मैं अगर नया बैच स्टार्ट कर दूंगा तो उसमें एक एक घंटे क्लास होगा, 40-40 मिनट का क्लास होगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 40 मिनट पढ़ा रहा हूँ। अभी जो कल का मैंने वीडियो अपलोड किया वो 40 मिनट का वीडियो था, ठीक है, ताकि एक वीडियो में आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। ध्यान दीजिएगा, और एक बात और, अगर आप हमारे वीडियो को अगर आप जैसे कि मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं यूट्यूब आप ओपन करिए बायोलॉजी पूरा सर्च करिए, और उसके खोलने के बाद में जब आप प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो के बगल में होता है प्लेलिस्ट, जब तुम जाओगे उसमें तो कक्षा 12 की बायोलॉजी, कक्षा 10 की बायोलॉजी और कक्षा क्या होता है कक्षा 10 की केमिस्ट्री, आपको तीनों क्लास मिल जाएगी। वहाँ अलग अलग वीडियो में बना दिया हूँ, यानी फाइल्स में बना दिया हूँ, वहाँ क्लिक करो क्लास 12 क्लिक करोगे पूरा आपको बायोलॉजी को मिलेगा, और क्लास 10 केमिस्ट्री तुम क्लिक करोगे तो केमिस्ट्री का वीडियो आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से, या अगर आप सर्च कर सकते हो कि बायोलॉजी पूर क्लास 10 केमिस्ट्री, इतना सर्च कर लो पूरी केमिस्ट्री की वीडियो आ जाएगी आपके पास। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, मैं आपको सुविधा में प्रोवाइड कर दिया हूँ, बाकी आपको मेहनत करना है कि वीर तुम बढ़े चलो, तो ध्यान देना। तो इसी के लिए मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताता रहता हूँ, बाकी अब आपके माइंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना पढ़ रहे हैं आप। मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ वीडियो कितना आप पढ़ रहे हैं, कितना आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, मुझे सब मालूम, बट क्या है कि आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कैसा आप पढ़ रहे हो। मैंने सुविधा तो बहुत आपको दिया है, ठीक है, इसी बाड़ी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद।